First Choice gets their Ramadan special offer up to 40% discount ke saath. Ek latest collection mein Halima Sultan, Sharara Pompom, gown, boys full suit, western outfit aur bhi behtar service, premium quality, sabse sasta aur acha. Ramadan mein aapki favorite shopping ke choice sirf First Choice. लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। एक बार फिर मजदूरों के पैदल पलायन करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस तरह से पिछली बार महाराष्ट्र से मजदूर पैदल यूपी बिहार अपने परिवार के साथ रवाना हो गए थे, उसी तरह से एक बार फिर लॉकडाउन की डर की वजह से महाराष्ट्र से ये मजदूर पलायन कर रहे हैं। महाराष्ट्र से पैदल ये मजदूर निकल पड़े हैं। तस्वीरें इंदौर रीवा बड़वानी की हैं, जहां महाराष्ट्र से पैदल यूपी बिहार ट्रकों में भरकर ये मजदूर जा रहे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वजह से धंधा पानी बंद पड़ा है, पिछली बार की परेशानियां अभी तक भूल नहीं पाए हैं, ऐसे में दूसरी बार लॉकडाउन का डर इन्हें सता रहा है और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की लगातार संख्या बढ़ते ही जा रही है। पिछले 24 घंटे में 63,000 से भी ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या सामने आई है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र से मजदूरों के पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये डरावनी जरूर है, लेकिन उतना ही चिंताजनक है, क्योंकि महाराष्ट्र से ये मजदूर पैदल यूपी और बिहार के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? छोटे लाल जी, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मुंबई से आ रहे हैं, जा रहे हैं गाँव। बॉम्बे में क्या करते हो आप? तो क्यों जा रहे हैं आप लोग? धंधा पानी नहीं है तो क्या किया जाए, बैठ कर खाएंगे तो कौन देगा? धंधा क्यों नहीं है आपका? गाड़ी रोड पर गाड़ी चल रही है, पब्लिक नहीं है तो कहाँ से भाड़ा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बैठ कर? लॉकडाउन की वजह से जा रहे हो? लॉकडाउन की वजह से 21 दिन का लगाए हैं, अभी आगे बढ़ने का है, अभी 14 तारीख को और पूरा हो जाएगा। कारोबार की समस्या है आपके सामने। क्या नाम है आपका? जिलानी शाह। शाह जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? पूना से। क्यों आ रहे हैं? आ रहे लॉकडाउन की वजह से, राशन पानी सब बंद कर दिया है, टाइम से राशन नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है। क्या परेशानी हो रही थी आपको? काम धाम भी बंद कर दिया है। काम धाम बंद है, कहाँ जाओगे आप अभी? अभी यूपी जाएंगे बस। कितने लोग आ रहे हैं आप? बहुत आदमी हो गए, 250 आदमी है। और भी लोग हैं? और भी लोग हैं? नहीं, और लोग नहीं है अभी फिलहाल। तो क्या परेशानी हो रही थी आपको वहाँ पर? नहीं, खाने पीने का तकलीफ हो रहा था, खाने का पीने का प्रॉब्लम हो रहे थे सर। रूम लाइट पानी सबके लिए सर हम लोग की व्यवस्था हो रही थी। हम सब सर यहाँ से मीटिंग बनाई है, हम लोग कम से सर 40-45 आदमी लोग हैं, बस की तैयारी की है सर। रास्ते में सर हम लोग आज कम से 1.5 महीने से हम लॉकडाउन करके हम लोग परेशान हो रहे थे सर। इसके बाद हम लोग सर उधर से निकलते टाइम पे इधर हम लोग चल के आया, कम से सर 6-7 किलोमीटर दूर आया थे सर। वहाँ से हम लोग सर बुक किया बस, ट्रक किया। इसके बाद हम लोग वहाँ से भाड़े का काम किया, भाड़े ने बोला 3,500, कोई 4,000 बोला सर ऐसा। हम लोग सर परेशान में इधर घर वाले थे, माँ बाप को पैसा बोल के बोलो तो ब्याज ही पैसे ले लेके माँ बाप ने हमारे, उनको पैसे हमारे को लग के घर पे दिया गया। हम लोग यहाँ से सर एडजस्ट करके रिक्शे उनको गाड़ी वाले को ट्रक को बस को दिया, जो जैसा आदमी थे उधर से खाने पीने का। हम लोग सर उधर से चल के आया, बिना भूखे आया हम सब। आप लोग तो सर दरवाजे यहाँ पे रोड पे आया।